आज मैं सिवान, खास तौर से उसामा बाबू का आज निकाह है, तो मैं उनको एडवांस मुबारक भी दिया हूँ और अभी उनके निकाह में भी जा रहा हूँ। और चूँकि उसामा बाबू कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, हमारे परम मित्र सबदीन साहब जो बिहार नहीं देश के पैमाने पर हम लोग के मित्र रहे हैं और नेता रहे हैं। SN Live, सच सबसे आगे। सर जी, आपकी एक नई पार्टी बनी है, उसके बाद पहली बार सिवान आगमन हुआ, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, नई पार्टी के बारे में तो मैं बाद में कहूंगा। आज मैं सिवान, खास तौर से उसामा बाबू का आज निकाह है, तो मैं उनको एडवांस मुबारक भी दिया हूँ और अभी उनके निकाह में भी जा रहा हूँ। और चूँकि उसामा बाबू कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, हमारे परम मित्र सबदीन साहब जो बिहार नहीं देश के पैमाने पर हम लोग के मित्र रहे हैं और नेता रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके उसामा बाबू के निकाह में मैं आया हूँ। साथ ही साथ जहाँ तक हमने राष्ट्रीय शोषित समाज दल बनाया हूँ, उसमें ख़ास तौर से कहना चाहता हूँ कि बिहार में वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है, और कोरी समाज 10-12% बिहार में है, तीसरे नंबर का समाज, एक नंबर माइनॉरिटीज है, 2 नंबर यादव, 3 नंबर कोरी समाज है। तो ऐसी हालत में हम लोग कोई सीक्रेट एजेंडे पर काम नहीं करेंगे, बल्कि आम डेमोक्रेटिक वे में आम जनता की जो तकलीफें हैं, आम जनता की समस्या है, उसको ओपन हो करके मीडिया के माध्यम से पब्लिक मीटिंग में आम जनता के सामने ओपन हो करके हम लोग उसको रखेंगे। इसीलिए मेरे पार्टी का ऐलान है कि बिहार में कोरी समाज से मुख्यमंत्री बनावेंगे, वहीं झारखंड में 25% मुसलमान हैं, वहां हम झारखंड में मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएंगे। उसी तरह से बिहार में 5 डिप्टी CM जी हम लोग बनाएंगे, जिसमें एक मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाएंगे और उनको पुलिस विभाग जरूर देंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा असुरक्षा की भावना मुसलमानों में होती है, स्वाभाविक है। और इसी का फायदा जो सेकुलर पार्टियां हैं, जो कांग्रेस रही, RJD, JDU, ये फायदा उठाते रही है। इसलिए हमारी पार्टी तमाम जाति संप्रदाय को लेकर चलेगी, वहीं माइनॉरिटीज को डिप्टी सीएम के तौर पर, साथ ही साथ 4 डिप्टी CM और हम लोग बनाएंगे, एक दलित समाज से, एक अति पिछड़ा से, एक सवर्ण से और एक यादव समाज से, ताकि बिहार में यही समाज मुख्य रूप से 4-5 जो समाज है मुख्य रूप से है, ताकि सबको एहसास हो कि नागमणि सभी समाज को समान रूप से लेके चल रहे हैं। अलग बात है कि सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड कौम मुसलमान और कोरी समाज रहा है, इसलिए इसको हम प्रायोरिटी देने का काम करेंगे। साथ ही साथ सिवान की धरती पर हम आज आए हैं और सिवान का साहुद्दीन साहब के वजह से पूरे हिंदुस्तान और दुनिया में चर्चा का विषय रहा है। साहुद्दीन साहब के बारे में कुछ गलत बातों को प्रचारित किया गया, जबकि सच्चाई आम जनता के बीच नहीं गई है। उस संबंध में मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि साहुद्दीन साहब एकमात्र देश में एक सांसद थे जिन्होंने डॉक्टर जो मनमानी तरीके से पैसा वसूल करते हैं पेशेंट के साथ, उन्होंने फिक्स कर दिया था कि 50 रुपया से ज़्यादा फीस आप नहीं ले सकते हैं। उसी तरह से पूरे देश में सांसद फंड जो होता है या सरकारी फंड, 20% सरकारी पदाधिकारियों के पॉकेट में जाता है। पूरे देश में साहुद्दीन साहब ही एकमात्र सांसद रहे जिन्होंने एलानिया तौर पर कह दिया कि हमारे फंड या सरकारी जो फंड से काम होता है उसमें 1 पैसा सरकारी पदाधिकारी और कर्मचारी नहीं लेंगे। तो ये साहुद्दीन साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है
और ये बात जन जन तक पहुंचाने का काम हम लोग भी करेंगे। साथ ही साथ जो हम लोग हमारी जो नई पार्टी है उसका नया सोच है। आम जो पार्टियां हैं ये तमाम जो बिहार और देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये प्राइवेट कंपनी के रूप में काम कर रही है। जैसे प्राइवेट कंपनी में एक चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, उसी तरह से तमाम पॉलिटिकल पार्टी देश का प्राइवेट कंपनी के तौर पर काम कर रहा है। अगर बीजेपी को लीजिए तो प्राइम मिनिस्टर इसका चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर होम मिनिस्टर है। इसके अलावा बीजेपी में किसी का वैल्यू है क्या? उसी तरह से कांग्रेस को लीजिए, सोनिया गांधी चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर उनका बेटा राहुल गांधी है। इसके अलावा कांग्रेस में वैल्यू है? आप बिहार में चलिए, आरजेडी में लालू यादव चेयरमैन है और उनका अनपढ़ बेटा तेजस्वी वो मैनेजिंग डायरेक्टर है। उसी तरह से जेडीयू को लीजिए, जेडीयू का चेयरमैन नीतीश कुमार है और मैनेजिंग डायरेक्टर में कंपटीशन है ललन सिंह या आरसीपी सिंह। तो मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद के खून से पैदा लिया हूँ। मैं प्राइवेट कंपनी उन पर आरोप लगाता है कि नागमणि जी पार्टियाँ छोड़ देते हैं। अरे कोई हिजरा नपुंसक नागमणि थोड़े है। जगदेव प्रसाद जो बिहार के लीलित थे उनके खून से मैं पैदा लिया हूँ, इसलिए प्राइवेट कंपनी में मैं नहीं रह सकता है। इसीलिए मैंने नए सोच और नए मुद्दे के साथ मैं इस पार्टी को बनाया हूँ। दो तीन एग्जाम्पल मैं देना जरूर चाहता हूँ कि अंग्रेज का जब अंग्रेज के टाइम में पुलिस विभाग था, अंग्रेज के टाइम में पुलिस विभाग था, उस समय भारत हमारा गुलाम था। गुलामों पर पुलिस का जिस तरह से गुंडागर्दी था, अत्याचार था, जुर्म था, शोषण था, उसी तरह का आज़ाद देश में बिहार और देश के पैमाने पुलिस का रोल है। हमारी पार्टी का सोच है कि पुलिस के पावर को हम कम करेंगे। पुलिस का काम FIR करना, सिविलियन जो मजिस्ट्रेट होगा वो केस का सुपरविजन करेगा और जो केस में अभियुक्त रहेगा उसको फिर पुलिस गिरफ्तार करेगी। आने के बाद बिहार के लोग जो कैसे देख रहे हैं जी, आपकी पार्टी के आने के बाद बिहार के लोग कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, चूंकि लालू यादव के 30 साल के शासन 30 वर्षों में खास तौर से माइनॉरिटीज आंख बंद करके बीजेपी के अगेंस्ट में RJD को वोट देता रहा और हम लोग ने ऐलान किया है कि अब M-22 समीकरण बिहार में खत्म और MK समीकरण होगा, मुस्लिम कोरी समीकरण होगा। और जब लालू यादव के यहाँ से मुसलमान छोड़ देंगे तो लालू जी भी रोएंगे। उसी तरह से जो लॉ और कुश का नारा देने वाले नीतीश कुमार जी हैं, वहाँ से जब कोरी को मुख्यमंत्री हम बना रहे हैं तो कोरी छोड़ देगा तो नीतीश कुमार का भी पार्टी खत्म हो जाएगा। इसलिए 2025 में जो असेंबली का चुनाव होगा, राष्ट्रीय शोषित समाज दल की सरकार हम बनाएंगे। चूंकि हम किसी के साथ पैक्ट नहीं करेंगे, इसलिए कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां प्राइवेट कंपनी है और डेमोक्रेसी में प्राइवेट कंपनी का कोई उचित नहीं है, प्राइवेट पार्टियों की जरूरत नहीं है। थैंक यू सर।